नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो शुक्र का चेंज हो रहा है, लियो में जा रहा है, उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट वन, तो आज हम बना रहे हैं पार्ट टू। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो कि जो शुक्र का चेंज हो रहा है, लियो सिंह में जा रहा है, पांच नंबर में यहाँ पे जा रहा है। इंडिया की कुंडली में ये शुक्र लिखा हुआ है। 7 अगस्त को चेंज है, 7 जुलाई को चेंज है, 7 अगस्त तक चलेगा, पूरा एक महीने का चेंज है। और ये पॉइंट्स मैंने कल पढ़ दिए थे, हमने समझा दिया था कि क्या मीनिंग है इनका, और ये आज तक के प्लैनेटरी चेंजेस हैं। हमारी जो प्रेडिक्शंस होती है लग्ना से होती है। अब फर्स्ट हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी से हमारी प्रेडिक्शन मैच कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारी वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 7 नंबर लिब्रा तुला, सेल्फ एंड हिडन गेन्स का लॉर्ड है और गेन्स वाले हाउस में आएगा, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि शुक्र की राशि है। तो लिब्रा जो है शुक्र की अपनी ही राशि है दोस्तों। पहली राशि वृषभ थी जो हमने कल बात करी, यह दोस्तों सेकंड मूल से कौन राशि, शनि का भी एग्जॉल्टेड साइन होने की वजह से दोस्तों लिब्रा में जो शुक्र है दोस्तों उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू टॉरस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड यानी कि सेल्फ यानी कि एज को डिनोट करता है, 100% दोस्तों एज को डिनोट करता है। हल्का सा भी दोस्तों यहाँ पे वीक होगा शुक्र तो आपकी एज पे इंपैक्ट डाल देता है। मान लीजिए गोचर में शुक्र वीक हो गया बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मंगल का इंपैक्ट आ गया, राहु का इंपैक्ट आ गया, शनि का इंपैक्ट आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एज पे इफेक्ट डाल सकता है, चोट देकर जा सकता है। अगर कुंडली में दशा दोस्तों 8th हाउस की चल रही है या कुंडली में भी दशा जो आपके 6th या 12th हाउस की चल रही है तो मान के चल सकते हैं कि बॉडी ब्लो होगा, यहाँ पे बॉडी पे इफेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा कैसा होगा वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, दशा के ऊपर। अगर हम दोस्तों पैसे के टर्म्स में देखें, ओवरऑल टर्म्स में देखें, अगर हमने देखा दोस्तों मंगल आपके 11th हाउस में आ चुके हैं, बहुत बड़ा चेंज हो चुका है दोस्तों। शनि आपका 10th हाउस में ऑलरेडी है, कोई टेंशन नज़र नहीं आती। तो कुल मतलब 4th हाउस में शनि है दोस्तों, 5th हाउस में। तो ये जो चेंज हुआ था दोस्तों मंगल का, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था। अब दोस्तों कल जब बुध का भी चेंज हो जाएगा आपके 10th हाउस के अंदर, तो चेंज दोस्तों चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। सूर्य आपका 9th हाउस में चल रहा है, तो ये वाला पर्टिकुलर चेंज मंगल के साथ दोस्तों शुक्र का मिलना यानी कि वाइफ या हस्बैंड का साथ मिलना, हस्बैंड के सपोर्ट मिलनी, पार्टनर के सपोर्ट मिलनी, इनकम में बढ़ोतरी होनी, और दोस्तों क्योंकि गुरु का भी यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है और शुक्र का इंपैक्ट दोस्तों है ही है, तो ये एक नेगेटिव का लॉर्ड है शुक्र और गुरु यहाँ पे दोस्तों 6th हाउस का लॉर्ड बनते हैं और शुक्र आपका 8th का भी लॉर्ड बनते हैं, तो दोनों नेगेटिव प्लैनेट दोस्तों आपके इनकम हाउस में मिले तो विपरीत राजयोग में वैसे भी दोस्तों मिल जाता है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों आपके, यहाँ पे चोट लगने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ मंगल। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर, पैसा गेंस, विपरीत राजयोग, अनएक्सपेक्टेड गेंस, शेयर मार्केट से गेंस, आपके बीच फुलफिलमेंट, ऑफिस में बोनस, अगर क्या कहेंगे आपकी सीट का बड़ा होना तो इस तरह की कमीशन में वृद्धि होना, FDI का कमीशन मिला, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बैंकिंग से भी रिलेट करती होंगी वो भी आपको खुश रखेंगे। तो जुलाई का महीना दोस्तों देखिए चांस का दोस्तों आप पे है लगन नंबर 7 और दोस्तों जुलाई का महीना भी 7 तारीख का महीना भी दोस्तों, और दोस्तों जब ये चेंज होगा भी 7 तारीख महीना 7 और दोस्तों जब ये चेंज खत्म होगा उस दिन भी दोस्तों 7 तारीख ही है, तो 7 7 7 ही हर जगह से, तो जुलाई का दोस्तों वैसे भी स्पेशल हो ही जाता है आपके लिए। चलिए मतलब लिब्रा वालों के लिए तो डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले जुलाई में 100% है। चलिए ब्लॉकबस्टर रहेगा ये, ब्लॉकबस्टर रहना चाहिए। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये प्लेजर का लॉर्ड है और लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का लॉर्ड है और प्रोफेशन वाले हाउस में आएगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वाले तो वृश्चिक। और दोस्तों यहाँ पे देखिए शुक्र की जो लॉर्डशिप है दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब सी लॉर्डशिप है, 12th और 7th के लॉर्डशिप। तो 12th भी प्लेजर को डिनोट करता है, 7th दोस्तों होता है बेडरूम का, तो प्लेजर को डिनोट करता है, पैसों को डिनोट करता है, इंजॉयमेंट को डिनोट करता है, हर तरीके की दोस्तों इंजॉयमेंट को डिनोट करता है। और दोस्तों बात वही है कि स्कॉर्पियो लॉर्ड दोस्तों बनता है मंगल और शुक्र यहाँ पे क्योंकि प्लेजर को डिनोट करता है, और अब दोस्तों चांस की बात है दोनों का ही दोस्तों यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, तो प्लेजर में वृद्धि मिलेगी, मौज मस्ती में यहाँ पे दोस्तों वृद्धि मिलेगी, घूमना फिरना होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, लिविंग के साथ, तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें बेटर होंगी, बहुत बेटर होंगी। और तो क्योंकि 10th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे कर्मों में वृद्धि होगी, हो सकता है प्रोफेशनली अगर आप साथ घूमने चलें, बिकॉज 10th हाउस दोस्तों प्रोफेशन का होता है, इज्जत मान मर्यादा में दोस्तों वृद्धि होती है। जो लोग MNC में जॉब करते हैं दोस्तों हो सकता है उनको जिस कंपनी में जिस कंट्री में आपका हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको जाने का मौका मिले, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग ऐसे दोस्तों बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, अपने पार्टनर के साथ आपको घूमने का मौका मिल जाता है। कुल मिला के चेंज बहुत बढ़िया
और दोस्तों क्योंकि मंगल भी ऑलरेडी आपका 10th हाउस में आ चुका था, शनि का इस पर इम्पैक्ट आने की वजह से दोस्तों चीज़ें तो मंगल ही आपके बेटर कर दी, सूर्य ने ही बेटर कर दी थी। तो सूर्य का जो अगला चेंज होगा 17 जुलाई को, जब सूर्य मूव करके आपका नंबर 3 में आ जाएगा तो नंबर 4 में आ जाएगा आपके भाग्य स्थान में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुपर फैंटास्टिक हो जाएंगी। तो जुलाई का महीना दोस्तों आपके लिए वर्थ वेटिंग महीना है, बहुत बड़ा महीना रहने वाला है। और दोस्तों क्योंकि कर्क लग्न की अगर हम लोग बात करें, कर्क राशि की बात करें, आपके भाग्य के स्थान में है 9th हाउस में आपकी कर्क राशि है, और वो सावन का महीना होता है शिव जी के लिए। तो दोस्तों ये सावन का महीना आपके लिए स्पेशली एक भाग्य को बढ़ाने वाला महीना रहने वाला है। तो मैं कोशिश करूँ शॉर्ट वीडियो बनाने की, दो शॉर्ट वीडियोस बनाने की कि सावन का महीना हर लगन के लिए कहाँ कहाँ वृद्धि कर सकते हैं एज पर दे राशि। तो अगर हम आपकी बात करें, यहाँ पर 9th हाउस में आपकी कर्क राशि आने की वजह से दोस्तों भाग्य में वृद्धि होगी, शिव जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी हो गया, इनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु, मनी का लॉर्ड है, प्रॉफिट गेन्स का, डिसीज का भी है, एनिमीज का भी है, तो ये लक वाले लॉर्ड में आएगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आप टाइम कैसा है। तो जुलाई में बहुत ही सारे चेंजेस हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हैं, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 4 लग्नों का जानने के लिए कि इनके लिए शुक्र का चेंज कैसा रहेगा। दोस्तों धनु, धनु दोस्तों होते गुरु की राशि, दोस्तों शुक्र भी गुरु होता ही है। दोस्तों दोनों गुरु आपस में दोस्तों कहीं ना कहीं है तो एंटाई एक दूसरे के, वो शुक्राचार्य हैं दोस्तों वो दानु के गुरु, और बृहस्पति जो जुपिटर होते हैं वो देव के गुरु, तो आपस में दोस्तों बनती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसलिए जो शुक्र की जो लॉर्डशिप है दोस्तों ज़्यादा अच्छी नहीं देगी। तो 11th भी डिजीज को डिनोट करता है, दोस्तों 6th भी डिजीज को डिनोट करता है। दोस्तों एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन होता है मिथुन लगन के अंदर, जहाँ पे मंगल 11th और 6th का लॉर्ड बनने से पूरी तरीके से डिजीज और चोट का कारक बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे शुक्र चोट का कारक बनता है, मतलब डिजीज का कारक, दोस्तों क्योंकि मंगल चोट देता है तो मिथुन लगन दोस्तों मंगल चोट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों शुक्र की अगर हम लोग बात करें, शुक्र यहाँ डिनोट करता है किसी भी तरीके से दोस्तों, शुक्र डिनोट करता है यूरिन को, गॉल ब्लैडर को, आपके कहीं ना कहीं दोस्तों किडनी को, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके शुगर लेवल को। तो यहाँ पे दोस्तों जिनके भी धनु लगन के अंदर जिनका भी शुक्र इल प्लेस्ड होगा या इनका जुपिटर भी दोस्तों इल प्लेस्ड होगा, उनको डायबिटीज़ होती ही होती है, टाइप 1 होगी, टाइप 2 होगी, दोस्तों शनि पर डिपेंड करता है, बिकॉज शनि डिजीज को बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा लंबा करके चलता है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्योंकि शुक्र यहाँ पे अगर आपके देखेंगे 11th और 6th का लॉर्ड है, अब आ गया 9th हाउस के अंदर, 9th हाउस दोस्तों फादर का भी होते हैं, तो पापा को अगर आपके डायबिटिक हैं, पापा के साथ डायबिटीज़ के इशूज़ हैं, तो यहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज शनि की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, राहु की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो यहाँ पे डाइसी मतलब शुगर लेवल या डायबिटीज ऊपर से जो हो सकते हैं यहाँ पे। तो अपने फादर का भी ध्यान रखना, खुद का भी देखना कि शुगर के इश्यूज आपके साथ ज़्यादा हो। मतलब साथ ही साथ में देखें जो यहाँ पे 11th हाउस होता है इनकम का भी होता है, गेंस का भी होता है, उसका 9th हाउस में आना, 11th का दोस्तों 9th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को और आपकी इनकम को जोड़ के चलता है, आपके भाग्य और आपके गेंस को जोड़ के चलते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड दोस्तों गेंस हो जाते हैं। 9th हाउस इन्वॉल्व हो गया तो अनएक्सपेक्टेड गेंस दोस्तों पापा के थ्रू हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में देना कि यहाँ पे बेटरमेंट होगा, प्रोफेशनल गेंस होंगे यहाँ पे। बट वो साथ में 6th का लॉर्ड जब भी 9th में इन्वॉल्व हो जाएगा तब पापा के लिए फिर से दोस्तों हेल्थ के इशूज़ आ जाते हैं, तो फादर हमें यहाँ पे ध्यान में देना उनके साथ हेल्थ के इशूज़ में। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें आपकी बाकी चीज़ दोस्तों, हम लोगों देखें सूर्य की वजह से, मंगल की वजह से, बुध की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हैं आपकी। बुध भी आपका 7th हाउस में चल रहा है अभी, तो टेंशन ज़्यादा है नहीं। धनु का दोस्तों वैसे भी टाइम ठीक, अपने शुगर लेवल का ध्यान में रखना है। और दोस्तों हालांकि 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है, बट क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है, 11th हाउस इन्वॉल्व है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। शुक्र किसी भी स्थिति में दोस्तों ज़्यादा खराब नहीं करता पैसों के लिए, तकरीबन दोस्तों आपके शुगर में खराब कर सकते हैं, यूरिन में आपके इश्यूज देखे जा सकते हैं, मतलब इनको शुगर के इश्यूज हो सकते हैं या यूरिन में इश्यूज हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए हाँ बिल्कुल, गर्ल्स को ज़्यादा ध्यान में, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो जाए वो चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी फाइनेंस के लिए कोई प्रॉब्लम दिक्कत नजर नहीं। चलिए अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, मनी का लॉर्ड है, लक का लॉर्ड है, बिजनेस का लॉर्ड है, और लॉसेस वाले हाउस में आएगा, हिडन गेन्स भी होते हैं, तो इनके लिए कैसा रहेगा शनि की पहली राशि। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको बाकी का लग्नों का जानने के लिए। तो कैप्रिकॉन के लिए थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ टाइम हो सकता है, बोला टाइम वैसा ओवरऑल अच्छा दोस्तों, हमने हर वीडियो में बात की थी, चाहे बुध की वीडियो बात की थी, मंगल की बात की थी, ये वाला जो पर्टिकुलर चेंज है दोस्तों शुक्र आपको मालूम है दोस्तों, कैप्रिकॉन में कुंभ राशि में केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड बन के पैसों को डिनोट करता है, वेल्थ को डिनोट करता है, आपकी लॉटरी को डिनोट करता है। दोस्तों जब भी 10th और 5th का कोई लॉर्ड होगा, पैसों का जो लॉर्ड होगा वो जब 8th हाउस में आ जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पैसों पर सडन लॉस हो सकता है, दोस्तों सडन चीज़ों को डिनोट करता है 8th हाउस।
अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, हिडन चीज़ों को, तो यहाँ पे सडन लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो शेयर मार्केट टूटी, आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया तो वहाँ पे आपका पैसा सारा डूब गया, तो कल को आपके रोड पर या लखपति लाइक भी नहीं रहा, तो ये दोस्तों लॉसेज हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शेयर मार्केट के लिए यहाँ भी आपने पैसा इन्वेस्ट करना बहुत सोच समझ के लगाना, बिकॉज यहाँ पे लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट क्योंकि शनि के इन्वॉल्वमेंट है, शनि आपके लॉर्ड भी बनता है और कहने के स्लो प्लैनेट है, तो लॉसेज को कहने के रोक सकता है, कुशन दे सकता है, उनको ज़्यादा नीचे आने से मना कर सकता है, तो बट लॉसेज यहाँ पे दोस्तों कंफर्म हो ही जाते हैं। तो वो सभी लोग जो गैम्बलिंग के अंदर है, शेयर मार्केट के अंदर है, जहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई आप पॉलिसी ऐसा लेना चाह रहे हैं जो आपको आगे आपकी सेविंग में काम है या आपकी एक्सपेंशन में काम है, थोड़ा सोच समझ के, समझदारी के साथ काम करें, ये टाइम थोड़ा सा वीक हो सकता है। जो फिफ्थ हाउस लव लाइफ का, एट्थ हाउस लॉसेज का, तो लव लाइफ में दोस्तों लॉस हो सकता है, टेंथ हाउस प्रोफेशन का, एट्थ हाउस लॉसेज का, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। प्रोफेशनल चीज़ थोड़ी सी डाउन हो सकती है, स्टैग्नेट हो सकती है, राहु के इन्वॉल्वमेंट है, अचानक से दोस्तों आपके नोटिस मिल गया कि आपकी 3 महीने की जॉब बची है, 2 महीने की जॉब बची है, या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसको हम रिन्यू नहीं कर रहे, तो वो सब अगर न्यूज़ आ जाए तो घबराना नहीं है, ये टेम्प्रेरी होगा, ये वाला महीना निकल गया तो चीज़ें अपने आप संभलने में आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में देकर चलना है, और स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि आपका जो लॉर्ड है शनि, वो भी रेट्रोग्रेड चलने की वजह से चीज़ों को थोड़ा सा स्लो है, स्टैग्नेट या डिले करके चल रहे, तो समझदारी के साथ, बहुत नेगेटिविटी नहीं है बट छोटी सी नेगेटिविटी है, प्रोफेशनली चीज़ें ना खराब हो और लॉसेज आपके साथ ना हो जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान में देकर चलें। बाकी मंगल की वजह से या सूर्य की वजह से चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में है हमारे, मतलब लॉसेज तो होंगे ये तो कंफर्म है, पर इतना नहीं होंगे, उतना होंगे जितना आप टॉलरेट कर सकते, बिकॉज ऑफ शनि के इन्वॉल्वमेंट। तो चलिए, मतलब आपको ध्यान तो रखना है, अलर्ट होकर चलना है। बाकी सारे अपनी कुंडली भी है, कुंडली बताएगी, कुंडली अगर अच्छी है तो लॉसेज कम हो जाते हैं, कुंडली भी नेगेटिव है, दशा भी नेगेटिव है, तो लॉसेज की मात्रा बढ़ जाती है, बाकी वही आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है। चलिए, 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, मनी का लॉर्ड है, लक का लॉर्ड है, एसेट्स का, प्रॉपर्टी का, प्रीवियस वर्थ का, और प्रोफेशन वाले लॉर्ड में आएगा बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, प्रोफेशन वाले हाउस में और बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा शनि की दूसरी राशि, क्या इनके लिए भी इतना नेगेटिव रहेगा जितना क्वेरी, जितना आपने कैप्रिकॉर्न के लिए बताया है? तो चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 2 लग्नों का जानने के लिए। तो कुंभ के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा ये दोस्तों, एग्जैक्टली डे नाइट का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे त्रिकोण केंद्र दोस्तों, यहाँ पे पैसा डबल होगा, इन्वेस्टमेंट डबल होगी, खुशियाँ डबल होंगी, लव लाइफ डबल होगी, पॉजिटिविटी यहाँ पे डबल होगी। और दोस्तों क्योंकि शनि आपका लॉर्ड अपने हाउस में है, अपने हाउस में होने दोस्तों वैसे ही पॉजिटिव है, उसका डायरेक्ट एक्सपेक्ट जो दोस्तों 7th पे गया शुक्र पे, शुक्र को यहाँ पे पॉजिटिविटी मिली, मंगल जो कि प्रोफेशन का लॉर्ड है दोस्तों उसको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिली, सूर्य आपके समय बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, आपके अगर आप देखेंगे आपके 5th हाउस में सूर्य के इन्वॉल्वमेंट होते दोस्तों, उसको भी यहाँ पे बेटरमेंट मिल रही है, बुध आपका 5th हाउस में ऑलरेडी है तो उसको बेटरमेंट मिल रही है। तो कुल मिला के ये वाला पर्टिकुलर चेंज धनु मतलब कुंभ लगन वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, और दोस्तों स्पेशली वो सभी लोग जो सिनेमा में है, मीडिया में है, आर्टिस्ट हैं, थिएटर में, OTT में है, वेब सीरीज में है, मतलब इस तरह की जहाँ पे यहाँ पे आप एक्टिंग में काम करते हैं, कोरियोग्राफर हैं आप, सेट डिज़ाइनर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप मूवी के साथ जुड़े हैं, किसी भी तरीके से आप मीडिया के साथ जुड़े हैं, या किसी तरीके से फैशन के साथ जुड़े हैं। ये कुंभ लगन का ये वाला चेंज दोस्तों बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ये दोस्तों, कईयों के लाइफ में स्ट्रगलिंग एक्टर्स को यहाँ पे एक स्थान देकर चलेगा, और कईयों को दोस्तों जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उनको और एस्टेब्लिश करेगा, और दोस्तों कई स्टार जो इस समय एक हिट को एक अच्छी हिट को तरस रहे हैं, इस बीच में दोस्तों उनकी एक आधी मूवी अगर हिट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हो सकते हैं यहाँ पे सिनेमा वर्ल्ड को, बॉलीवुड को अगर हम यहाँ पे बात करें, उनको यहाँ पे एक आधी मूवी यहाँ पे हिट हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा चेंज होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, इसमें हर चीज़ की पॉजिटिविटी मिलता है दोस्तों कुंभ लगन वालों को। तो जो भी कुंभ लगन के लोग हैं जुलाई में पूरी मेहनत करेंगे, स्टूडेंट है पूरी मेहनत करेंगे, यहाँ पे तगड़े वाला बेनिफिट मिलने वाला है हर लिहाज से, खुशियों में भी, वेल्थ में भी, मेंटल में भी, फिजिकल में भी। और जिनके दोस्तों लव लाइफ की बात थी, जिनकी लव मैरिज की बात थी, उनको यहाँ पे दोस्तों लव मैरिज में, लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगी, बेटरमेंट मिलेगी। तो रोमांस के लिए बात करें, पैसे के लिए बात करें, हेल्थ वेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा मिलता रहने वाला, मतलब एक्वेरियस वालों के भी डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले हर तरीके से, बेशक। चलिए, 12 नंबर पाइसिस मेन, लॉसेस का लॉर्ड है, सेल्फ का लॉर्ड है, और वापस लॉसेस वाले हाउस में आएगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे सेजिटेरियस वालों के लिए आपने बताया था, तो क्या इनके लिए भी वैसे ही रहेगा कि शुक्र इतना परेशान नहीं करेगा इनको, बस हेल्थ के लिए आपने इनको बताया था, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। दोस्तों अब देखिए हैरानी की बात है कि लॉर्डशिप कितने खराब मिलते हैं यहाँ पे शुक्र को, दोस्तों गुरु की राशि है, गुरु का लगन है दोस्तों, यहाँ भी गुरु का लगन था तो लॉर्डशिप कितनी नेगेटिव थी दोस्तों, ये भी बृहस्पति का लगन था, नेगेटिव कितने, लॉर्डशिप कितने नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पे 8th नेगेटिव, 3rd नेगेटिव, और तो 6th भी नेगेटिव, तो 8th एंड 6th दोस्तों विपरीत राजयोग, 3rd एंड 6th दोस्तों विपरीत राजयोग, साथ में शनि का इंपैक्ट आ गया विपरीत राजयोग में वृद्धि, मंगल का इंपैक्ट आ गया विपरीत राजयोग में वृद्धि, राहु का इंपैक्ट आ गया विपरीत राजयोग में वृद्धि दोस्तों, यहाँ पे इनको
अनएक्सपेक्टेड गेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और दोस्तों जब जब डिजीज़ का लॉर्ड डिजीज़ वाले हाउस में आता है, डिजीज़ में कमी आती है, आपको पुल डाउन करता है, तो ये टाइम बेटर है। और दोस्तों वैसे भी शुक्र जो होता है 12th हाउस में होगा दोस्तों लग्जरी बढ़ाता है, और जब 6th हाउस में होगा दोस्तों तो 6th का शुक्र दोस्तों 12th हाउस को देखे अपनी दृष्टि डाल के 12th हाउस में प्लेजर को बढ़ा के चलता है। जहाँ प्लेजर बढ़ेगा यहाँ पे ट्रैवलिंग बढ़ने वाली बहुत अच्छे तरीके से, दोस्तों डेट्स कम हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो आपको शॉर्ट ट्रिप्स आपकी बढ़ जाती है, लॉन्ग ट्रिप्स आपकी बढ़ जाती है। तो ये वाला चेंज दोस्तों कहीं ना कहीं बीमारी को कम करके चलता है, पैसे में बढ़ोतरी करके चलता है, डेट्स को कम करके चलता है। तो देखिए कितना उल्टा उल्टा खेला सारे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सारा काम उठता है, पॉजिटिव पैरी ने सारा काम करा, यहाँ पे नेगेटिव होने के बावजूद दोस्तों पॉजिटिव किया, तो इसको दोस्तों कहते हैं विपरीत राजयोग। और दोस्तों विपरीत राजयोग जो होता है जो कि नेगेटिव प्लैनेट से बनता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज दोस्तों पॉजिटिव तो पॉजिटिव करना ही होता है, वो तो देगा देगा आपको, लेकिन जब आपका दुश्मन भी आपको पैसा देकर चले तो मान के चले कि आप में कितनी ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ पर दोस्तों दुश्मन वाला दुश्मन के सारे प्लैनेट वो आपके लिए पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, तो उसको दोस्तों फिर से मैं लिखता हूँ, ये हो गया दोस्तों आपका विपरीत राजयोग। तो ये विपरीत राजयोग बहुत पावरफुल राजयोग बनने वाले, तो मेन लगन वालों के लिए दोस्तों पैसे के यहाँ पे बरसात हो सकती है, बीमारी पे कमी हो सकती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दोस्तों अच्छे रहने वाली, वहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं खास आपके साथ। बस इतना हमें ध्यान रखना, हालांकि कि जैसे 6th हाउस होता है आपके एनिमीज़ का, और एनिमीज़ में इसमें लैंडिंग होने की वजह से किसी लड़की की वजह से, क्योंकि शुक्र दोस्तों लड़की, किसी लड़की की वजह से आपके लिए कोई बदनामी का योग ना बने या कोई प्रॉब्लम ना आए आपके लिए, वो हमें ध्यान में देकर चलना है। कि गर्ल्स से हमने एक प्रोफेशनल लिंक अगर आपके है तो प्रोफेशनल डिस्टेंस बना के चलना है, और अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी है या कोई अगर आपके लिविंग में, तो वो भी एक लाइन क्रॉस नहीं करनी अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कंसेंट के बिना कुछ नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये हैरानी की बात है बहुत ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 12 लग्नों की बातें हो गई कि कैसा रहेगा शुक्र का चेंज, कल हमने 6 लग्न डिस्कस किए थे, आज बाकी के 6 लग्न। तो किसी के अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है, अदरवाइज नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब रेमेडीज बता दें, चलिए शुक्र की सबसे बड़ी रेमेडी, अगर आप सॉलिटेयर एक्सचेंज करना चाहें तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या खुद भी पहनना चाहें तो भी पहन सकते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट्स दीजिए, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए जितनी हो सके, और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, और मीठी दही खीर अगर आप चाहें तो घर पे बना के डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कीजिए, वरना आप मीठी कर्ड भी डोनेट कर सकते हैं। और कुछ और दोस्तों दूसरी बात अगर देखें, क्योंकि शुक्र पे यहाँ पर दोस्तों मंगल का भी इम्पैक्ट आ रहा है, शनि का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है, और जिनके अपनी कुंडली में सब चीज़ें हैं, शनि शुक्र साथ में, राहु शुक्र साथ में, वो शनिदेव की पूजा करेंगे तो शुक्र को सेंध मिलेगी, मंगल की पूजा करेंगे तो शुक्रदेव को सेंध मिलेगी, और शनिवार को राहु की पूजा, यानी कि शनिवार को मंदिर जाएं, शनिदेव के आगे तेल अर्पित करें, उन पे दीपक जलाएं उनके आगे, तो शनिदेव प्रसन्न होंगे, शुक्र को जब छुटकारा मिलेगा नेगेटिविटी से, और तो शनि की जब पूजा करते हैं राहु की डायरेक्टली पूजा हो ही जाती है। और तो मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद, बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़े हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी जो मंगल का इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर होगा भी कोई तो शुक्र से हटेगा, तो शुक्र को पॉजिटिव होगी आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी प्लस आपकी फिनेंशियल बॉडी, यानी कि फिनेंस आपके स्ट्रांग होंगे, इनके भी हमने साथ पूजा करनी है। बाकी जो प्रतिभा ने आपका बताया वो तो हमने करना ही करना है, और जो लोग डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते ओपल या जर्कन पहन सकते हैं। बिल्कुल, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, क्या डे आज, वेडनेसडे, अब तो वीकली वीडियो का टाइम आ गया, वीकली वीडियो पर मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।